तो छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया है, तो बोर्ड की वेबसाइट पर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड में बेटियों ने इस बार बाजी मारी, तो वहीं हाई स्कूल में 75.61% छात्र पास हुए हैं। तो 10वीं में जशपुर के सिमरन ने टॉप किया है। तो 12वीं की टॉपर महक अग्रवाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। जरा विस्तार से बताइए। बहुत बहुत मेहनत की थी, ऑब्वियस सी बात है, बिना मेहनत के तो कोई भी फर्स्ट नहीं आ सकता है। एग्ज़ाम के दिन तो 4-4 बजे उठना पड़ता था वापस से रिवाइज करने के लिए, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना चाहिए कि ना कभी भी अपने माइंड में प्रेशर नहीं रखना चाहिए कि शर्ट आज एग्ज़ाम है कैसे करेंगे, हमेशा अच्छे से लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। तो बस 10th में भी आप टॉप 10 में जगह बनाई थी, उसमें कितना रैंक आया था 10th? मेरा 96.8% आया था, 10th रैंक था मेरा। तो इस बार जब आप एग्जाम देकर आती थी, अपने मम्मी पापा से चर्चा होती थी कि इस बार भी टॉप 10 में जगह बनानी है, फर्स्ट आना है या फिर एग्जाम नहीं बना, क्या कुछ चर्चाएं होती थी? ऐसे कुछ चर्चा नहीं होती थी, जैसे ही मेरे पापा मुझे एग्जाम हॉल से लेने आते थे मैं तो एकदम खुशी खुशी चहक के बोलती थी पापा आज तो मेरा बहुत अच्छा गया, इससे एकदम 100 में 100 आने वाला एग्जाम गया है। पापा भी बहुत खुश हो जाते थे, तो ऐसे लगता था हाँ ऑब्वियसली बात है टॉप 10 में आएगी, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉप 1 में आऊंगी करके। महक अग्रवाल की मम्मी है और उनकी मम्मी से भी बातचीत करती हैं, आपकी बेटी 12th में फर्स्ट आई है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। 10th में भी जब ये टॉप 10 में आई थी तब भी उम्मीद नहीं था, लेकिन इस बार तो फर्स्ट रैंक का बिल्कुल उम्मीद नहीं था, हाँ ये था कि टॉप 10 में आएंगी बोल के, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। कितने तैयारी करती थी महक, कैसे पढ़ाई करती थी? पढ़ाई तो करती थी, 4-4 बजे उठ के करती थी, कभी नहीं पढ़ती थी तो मैं चिल्लाती भी थी, बस बोलती थी मेरे को डोंट वरी मम्मी मैं मेरा कर लूँगी, मेरा वो हो जाएगा बोल के। वो अपनी तैयारी में बेस्ट थी, वो अपना पूरा बेस्ट देती थी। महक अग्रवाल, एक सवाल आपसे, 12th में आप फर्स्ट आ गई हैं, आगे का भविष्य क्या रहेगा, क्या लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ेंगी? मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो मैं अभी बीकॉम ऑनर्स करूंगी, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जाऊंगी जी। ये महक अग्रवाल हैं जो 12वीं में फर्स्ट रैंक आई हैं और सराईपाली सहित महासमुंद जिले का नाम रोशन की है। कैमरा पर्सन खिरोद के साथ जसांग नायक, विस्तार न्यूज, महासमुंद। तो जशपुर के सिमरन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सिमरन ने जशपुर में 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। तो आप देख सकते हैं कि सिमरन कितनी खुश दिखाई दे रही हैं, उनकी माँ उनको मिठाई खिलाती हुई दिख रही हैं, और ये तस्वीरें जशपुर की हैं, अपने आप में बेहद सुखद तस्वीर हैं, क्योंकि बच्चे जितनी मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं, जितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब परिणाम सामने आते हैं तो बहुत खुशी प्राप्त होती है। और ये तस्वीर आप जशपुर की देख सकते हैं, क्योंकि 10वीं में जशपुर की सिमरन ने टॉप किया है, और उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी माँ उनको मिठाई खिला रही हैं, उनके पिताजी इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, आप ये तस्वीरें देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे सहयोगी रवि का रुख करते हैं। रवि, महक अग्रवाल से बातचीत की गई, बेहद खुश है महक, उनके घर वालों में बेहद उत्साह, उनकी माँ खुद बता रही थी कि जब वो नहीं पढ़ती थी तो वो खुद उनको डांट फटकार देती थी। रवि, राधा, खुशी की बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि उनके पिता फर्नीचर की दुकान में काम करते हैं और उनकी बेटी पूरे प्रदेश में टॉपर है 12वीं की। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको राधा, 10वीं में महक अग्रवाल का 10th रैंक था, 10वीं में भी उन्होंने टॉप किया था लेकिन 10th रैंक था, लेकिन अब 12वीं में आकर उनका रैंक हो गया फर्स्ट, 12वीं की टॉपर बनी, स्टेट टॉपर, ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उनके परिवार में खुशी है। और सिर्फ महक अग्रवाल की मेहनत नहीं है, उनके माता पिता भी दिन रात मेहनत किए हैं, उसको टाइम पे खाना खिलाए हैं, टाइम पे सुलाए हैं, टाइम पे पढ़ाए हैं, तभी महक अग्रवाल ने टॉप किया है। और दूसरी जो 10वीं की टॉपर है सिमरन सभा, उसके बारे में भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि सिमरन सभा के पिताजी टेलर हैं, कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलते सिलते अपनी बेटी को उन्होंने इतनी मेहनत करवाई और वो राज्य की 10वीं की स्टेट टॉपर बनी। तो देखिए कितनी मेहनत के साथ उनके माता पिता कितनी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाए, और उसी का नतीजा है कि आज दोनों बच्चे राज्य में स्टेट टॉपर बने हैं। और एक साल का जो मेहनत होता है, एक साल की मेहनत में बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है राधा, हम होली का त्यौहार नहीं मना पाते हैं, दिवाली का त्यौहार नहीं मना पाते, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, शादी होता है, बर्थडे होता है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं तभी स्टेट टॉपर बनते हैं। और स्टेट टॉपर बनने के जो राह में निकल जाते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उनकी मेहनत के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी मेहनत करनी पड़ती है उसी ताकत के साथ,
कि बच्चे को बीमारी ना हो, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करते हैं उसी समय बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसीलिए उनके घर वाले भी उसी अंदाज में उसी ताकत के साथ उनके साथ लगे रहते हैं, वो भी खाना पीना छोड़ देते हैं, वो अपने बच्चों को खिलाते हैं खाना ताकि मेरी बेटी बीमार ना हो। तो इनके लिए उनके घर वालों को भी खुशी है और उनके घर वालों की खुशी हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रही है। अभी कुछ देर बाद आपको जसपुर की जो स्टेट टॉपर है, जो मुख्यमंत्री के गृह जिले से सभा सिमरन सभा है, उसका भी इंटरव्यू अभी हमारे स्क्रीन पे आने वाला है, तो उस इंटरव्यू को भी आपको हमको दर्शकों को दिखाना है राधा। बिल्कुल रवि, क्योंकि ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक टेलर की बेटी ने 10वीं में टॉप किया। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा जो उनके माँ बाप की मेहनत है, एक एक पैसे जुटाकर अपने बच्चे को पढ़ाना, और फिर बच्चा जब उस पैसे से पढ़ाई करता है, अपना पूरा फोकस पढ़ाई में लगाता है और जब एक पोजीशन प्राप्त करता है, तो वो जो खुशी मिलती है माँ बाप के लिए, बेहद उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है रवि, कि उनको जो खुशी मिलती है उसकी क्या ही हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या ही उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो रवि, लेकिन आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि महक अग्रवाल को हमने सुना जब वो कह रही थी, उनका कहना है कि 12वीं के बाद वो क्या करेंगी, जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा तो उनके अंदर दिखा कि बहुत होड़ में नहीं चल रही हैं। एक बच्चों के अंदर जो है आम तौर से होड़ देखी जाती है कि बहुत परेशान रहते हैं कि 12वीं के बाद क्या करना है। कुछ का दिमाग जाता है कहीं कुछ इंजीनियरिंग कर लें, कोई कहता है सीए कर लें, कोई कहता है कुछ कर लें, बट उनका जो दिमाग है बहुत ही सधा हुआ, नपा तुला। उन्होंने कहा कि बीकॉम ऑनर्स करूँगी, मुझे बैंकिंग क्षेत्र में जाना है। तो ये भी एक दर्शाता है कि बच्चे जो है अब कहीं ना कहीं संतुलित होते जा रहे हैं, एक बैलेंस उनके दिमाग में आता जा रहा है। रवि, राधा, हमने पिछले कई सालों से एक परंपरा देखी है कि लगातार बच्चों के जुबान पे यही होता है, पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। ये चार पांच ऐसे पद हैं जिसके लिए बच्चे पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी जगह है। इसीलिए बच्चे उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं जहाँ उनकी रुचि है, और रुचि कहाँ पर है उनकी, अब देखिए, अब बैंकिंग में काम करना है महक अग्रवाल को, तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर लिया है। 12वीं का एग्ज़ाम उन्होंने पास किया, मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई, उससे पहले ही उन्होंने तय कर लिया है कि मुझे बैंक के क्षेत्र में काम करना है, कॉमर्स की पढ़ाई करनी है आगे। तो उनका क्लियर फंडा है कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, और जिसका फंडा क्लियर होता है, जिसके मन में कोई दो नाव में पैर रखने वाली जो स्थिति ना हो, वही मेरिट लिस्ट में जगह बना पाते हैं। तो महक ने ये पहले से ही तैयारी कर ली थी कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, इसीलिए वो मेरिट लिस्ट में आई। वैसे ही बाकी छात्रों का ही देख लीजिए, और आजकल एक जो नया ट्रेंड आया है, अब बच्चे अपनी पसंद की, अपने जिसमें उनको रुचि है, जिस काम को करना चाहते हैं, जिसमें उनको सुकून मिलता है, उसी क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं। और ये जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जागरूकता अब सफल होती दिखाई दे रही है कि जो बच्चा 12वीं पास हुआ है और वो बता दे रहा है कि मुझे बैंकिंग के सेक्टर में जाना है। राधा, बिल्कुल रवि, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रवि आपका शुक्रिया। तो 12वीं में महक अग्रवाल ने टॉप किया, और चलिए सीधा रुख करते हैं बिलासपुर का, जहां पर आशीष दुबे मेरे सहयोगी मौजूद हैं, वो बातचीत करेंगे और हमें बताएंगे कि अब क्या अपडेट है। आशीष जी, बिल्कुल, मैं वेदांतिका शर्मा है, जिन्होंने 12वीं में 96% लाकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, खास तौर पर बिलासपुर में उनके साथ खड़ा हूँ, और वो बताएंगे अपनी तैयारियों को लेकर। बताइए वेदांतिका, आपने कैसे तैयारी की और ये 12th में ये मुकाम कैसे हासिल किया? सिटिंग पावर होना चाहिए, रोज़ मतलब लगातार पढ़ना होना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए, और बस रोज पढ़ती थी कंसिस्टेंसी के साथ। पढ़ाई पर क्या रात जागा आपने, क्या एफर्ट क्या किया आपने, जो 96% आपने लाया है उसके लिए क्या तैयारी की थी आपने, कोचिंग लिया था क्या नहीं लिया था, घर में पढ़ा, क्या है कुछ बताइए उसके बारे में। कोचिंग ली थी, कोचिंग के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और घर में भी सेल्फ स्टडी भी करती थी, और हाँ मतलब प्लान करके पढ़ती थी कि एक हफ्ते तक मैथ्स, एक हफ्ते तक फिजिक्स, और धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट की तैयारी करती थी। आगे क्या है, IAS की तैयारी करनी है, IPS की तैयारी करनी है, क्या करना है आपको वेदांतिका? IAS की तैयारी करूंगी, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब, नॉर्मल सा भी चल जाएगा, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी। एक आखिरी सवाल है आपसे, आगे पढ़ाई को लेकर के, आप जब आज रिजल्ट आने वाला था, पूजा आपने कहां से किया, माँ के पैर छुए, पिताजी के पैर छुए, क्या किया आपने, कुछ अपना एफर्ट बताइए।
पापा तो बाहर थे जब रिजल्ट आने वाला था, तो कोर्ट गए थे और पापा फ़ोन करके बताए कि इतना नंबर आया है। सबसे पहले मम्मी को गले लगाई और फिर दीदी को भी। कुछ एक संदेश जो आप लोगों को देना चाहें अपने बैच के जो हैं? हाँ, तो नॉर्मल है एग्ज़ाम, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो 90+ आ जाएगा नंबर सबका। सरकारी स्कूल को लेकर कि क्या सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर पढ़ाई को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूल के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। आप सेंट जोसेफ से हैं, वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई की व्यवस्था। तो ये है प्रदेश में छठवां स्थान पाने वाली वेदांतिका शर्मा, जिनके घर पर हम मौजूद हैं, जिनसे हमने 1-to-1 किया, बातचीत की, उन्होंने अपनी पढ़ाई की तैयारियों को लेकर हमें बताया कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की और क्या व्यवस्था कि आप उनके माता पिता से भी बात करने की कोशिश करिए। आपने बताया कि आप उनके घर पर मौजूद हैं, मैंने जब आप वेदांतिका से बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि उनकी माँ भी आपके पीछे मौजूद थी, तो एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की है वेदांतिका की इस सफलता में। आशीष जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, वेदांतिका की माँ हमारे साथ में है और हम उनसे बात करेंगे। बताइए, आप वेदांतिका की मम्मी हैं, क्या तैयारी है आपकी, आप बेटी के प्रति क्या समर्पण रहा आपका? जी, मेरा तो कुछ नहीं है, सब उसी की मेहनत का फल है। आप कुछ तैयारियों को लेकर बताइए, क्या सपना देखा है बेटी को लेकर आपने? जी, मैं चाहती हूँ कोई अच्छे से जॉब में जाए। कितने बच्चे हैं आपके और? मेरी 2 बेटियाँ हैं। आपका शुभ नाम क्या है और? मेरा नाम मनीषा शर्मा। आपने इनके पीछे कुछ मेहनत की है, इनको पढ़ाया उठाया जगाया लिखाया? हाँ, वैसे तो माँ बाप का ये फर्ज होता है, जो रहता है उतना बस की हूँ, बाकी सब इसका मेहनत। हाँ, आपकी बेटी को लेकर आप कितनी गौरवान्वित है वो बताइए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, और मतलब ऐसा हर माँ बाप चाहते हैं, और मेरी मतलब ऐसा तो जो चाहते हैं सबको मिलता नहीं, मुझे मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इनके पिताजी कहाँ हैं फिलहाल? वकील साहब हैं बताते हैं, राजकुमार शर्मा साहब जो हैं वो कहाँ हैं? शर्मा, हाँ, अभी कोर्ट में हैं। तो ये तो थी उनकी माँ जो है वेदांतिका की, जिन्होंने विस्तार न्यूज़ में अपनी बेटी को लेकर के खुल के चीज़ें बताई हैं। तो कुल मिलाकर आगे भी हम यहाँ मौजूद हैं और इनके सपनों को लेकर बिल्कुल। आशीष जी, तो माँ बाप की यही खासियत होती है कि बच्चों की मेहनत का पूरा श्रेय बच्चों को ही देते हैं। उन्होंने क्या मेहनत की बच्चों के लिए, उन्होंने क्या तैयारियां की, रोज़ सुबह उठ के उनका टिफ़िन बनाना, उनको स्कूल भेजना, ये सब माँ बाप नहीं बताते और सिर्फ बच्चों को ही उसका श्रेय देते हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आशीष जी, आपका शुक्रिया। तो चलिए, अब आपको बता दें कि 10वीं में जशपुर के सिमरन ने टॉप किया और उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। जशपुर की बेटी सिमरन सभा ने टॉप किया। हम अभी सिमरन सभा के घर में मौजूद हैं, हम सीधे उनसे जानेंगे कि क्या राज है उनके टॉप करने के पीछे। जी सिमरन, सबसे पहले तो आपको बधाई विस्तार न्यूज की तरफ से, आपने टॉप किया है पूरे प्रदेश में। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रही हैं आप टॉप करने के बाद? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, प्राउड फीलिंग हो रहा है। मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, ये बताइए पढ़ाई के दौरान किस तरह का आहार लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए? आहार लेना चाहिए जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से हमेशा सजेशन था कि अच्छा लो, लेकिन फिर भी अच्छा, मतलब कि ज़्यादा पैकेट का सामान नहीं खाती थी। आज के समय में लोग कोचिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्या आपने कोचिंग कहीं से ली थी? नहीं, मैंने कोचिंग कहीं से नहीं की, ना ही मैंने फ़ोन में ऑनलाइन कोचिंग की, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी। आपके माता पिता क्या करते हैं ये बताइए? मेरे फादर एक टेलर है, उनका टेलर का दुकान है, ओके टेलर, और मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है। तो आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी रहती है सरकारी स्कूलों की? मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 10th में एडमिशन लिया था, वहाँ की पढ़ाई जो बहुत ही अच्छी है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, यही है। फ्यूचर में आप क्या बनना चाहेंगे? आपने आज टॉप किया है, पूरे जशपुर का मान बढ़ाया, तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी शिक्षा की? फ्यूचर में मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहूंगी और एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ये हमारे साथ थी जशपुर से सिमरन सभा, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में टॉप किया है। कुंदन सिंह, विस्तार न्यूज, जशपुर। तो सिमरन सभा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने और उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया है, उन्होंने खुद से मेहनत की है, खुद सेल्फ स्टडी की है और आज उन्होंने 10वीं में पहली पोजीशन प्राप्त की है। तो बच्चों में उत्साह आप देख सकते हैं कि बच्चों में
कितनी सीरियसनेस है अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि सिमरन जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, उनका कहना है कि उन्होंने पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर किया, कहीं भी उनका ध्यान नहीं भटका, उन्होंने कोचिंग पर भी ज़्यादा फोकस नहीं किया। जो भी उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, जो वो फ़ोन से पढ़ पाती थी, उसी की मेहनत से आज उन्होंने दसवीं में पहली पोजीशन प्राप्त की है। और जब महक अग्रवाल से भी बातचीत की तो उनका भी इसी तरीके का रिएक्शन था। अवंतिका से बातचीत की, छठवां पोजीशन उन्होंने प्राप्त की 12वीं में, तो उन्होंने भी बताया कि कैसे उन्होंने मेहनत की है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की। और जब उनकी माँ से बातचीत की गई तो उनकी माँ ने बोला कि बच्चों को ही पूरा श्रेय जाता है उनकी मेहनत का। आज जो भी पोजीशन उन्होंने प्राप्त किया है, इसके लिए पूरी तरीके से उनके बच्चे इसके ऊपर मेहनत किए हैं और इसीलिए उनको उसका फल मिला है। तो आज बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी किए गए और ऐसे में बच्चों में उत्साह, बच्चों के अंदर जश्न मनाने का आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ आप महक अग्रवाल की तस्वीरें देख रहे हैं और दूसरी तरफ सिमरन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आइए इसी बीच खोमन साहू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन के साथ 10वीं की चौथे नंबर की टॉपर जो है उनके साथ मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे। खोमन, देखिए राधा, मेरे साथ अंशिका मौजूद है जो 10वीं में टॉप की है, चौथे रैंक हासिल की है। ये तस्वीर उनके घर के देख सकते हैं, उसकी मम्मी भी उसके मौजूद है, उनसे ही बातचीत कर रहे थे सीधा अंशिका से। अंशिका, आपने चौथा रैंक हासिल किया है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है, मैंने सोचा था मेरिट लिस्ट में आने का, मेरा सपना पूरा हुआ, मैंने बहुत मेहनत भी की थी तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 6 से 8 घंटे, सुबह 2-3 घंटे पढ़ लेती थी, फिर स्कूल से फिर घर आती थी। ट्यूशन मैंने नहीं की है, मैंने घर से पढ़ाई की, घर और स्कूल। मोहल्ले वाले बता रहे थे कि आप जोर जोर से भी चिल्ला कर पढ़ाई करते थे। हाँ, आदत है बोल बोल कर पढ़ने का, तो छत ऊपर पढ़ती थी। घर वाले लोग का कितना सपोर्ट मिलता था अंशिका आपको? मेरी दीदी और मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, स्कूल के टीचर्स भी मेरा बहुत सपोर्ट किए हैं। क्या कोचिंग क्लास भी आपने ज्वाइन किया था क्या? नहीं, मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया था, मेरी दीदी ने मुझे मोटिवेट किया था और गाइडेंस दिया था। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या कुछ करते थे आप? नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अगर आप मेहनत सही दिशा में कर रहे हो तो मोटिवेट अपने आप हो जाते हो। आप आगे क्या प्लान है आपका? अभी तो कुछ नहीं सोचे। कुछ नहीं सोचे अभी? कुछ नहीं सोचे। कितने घंटे दिन में पढ़ाई करते थे? और 6 से 8 घंटे। कितना बजे, कैसा रूटीन रहता था, कितना बजे सुबह उठते थे? 4 बजे उठ जाते थे और रात को कभी 10 बजे कभी 11 बजे सो जाते थे। जो लोग टॉप नहीं कर पाए, जो लोग फेल हो गए हैं, उन स्टूडेंट को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? जो टॉप में नहीं आ पाए, आना चाहते थे या फिर जो फेल हो गए हैं, उनको ये निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बस एग्ज़ाम है, आपके पास बहुत सारे चांस होते हैं। राधा, मैं उनकी मम्मी से भी बातचीत करूँगा, उनकी मम्मी का क्या कुछ कहना वो भी सुनाऊँगा, लेकिन उसकी मम्मी को देख, क्योंकि एक बड़ा हाथ परिवार का भी रहता है, क्योंकि सफलता के पीछे उसकी मम्मी से ही बातचीत कर लेता हूँ। बेटी को सफलता मिली है, क्या कुछ कहेंगे आप? बेटी के सफलता पाने के लिए तो बहुत खुशी की बात है, उसमें हम तो उनके बस सहयोग किए हैं कि काम ज़्यादा नहीं करना है, पढ़ाई में समय ज़्यादा बीते, और जहाँ हमें ज़रूरत इनकी हेल्पफुल पड़ता था वहाँ पर बस हमको हेल्प करते थे। पापा कहाँ गए हैं? पापा इनके, हम लोग बागबहरा के निवासी हैं, यहाँ सर्विस में आए हैं, तो वो अपना घर में मेरे को भेजे, बच्चे को पढ़ाया ज़्यादा ज़रूरी है भविष्य में, तो मैं इन लोग के साथ में हूँ। कितना घंटा मेहनत करती थी अंशिका दिन में? इन लोग तो बचपन से ही है, जो आज जो दिख रहा है रिजल्ट, जो बचपन से ही तीनों बच्चे में है। क्या क्या बनाकर खिलाते थे आप अंशिका को? जी, सुबह नाश्ता में तो फ्राई मसूर, जैसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो इन लोग को मसूर फ्राई, फिर उसके बाद खाना, फिर दाल बनाती थी, दाल पीते हैं, और रोटी सब्जी नाश्ता, बाहर की चीज़ तो हमारे यहाँ खाते ही नहीं, कभी नहीं दी हूँ, नहीं लोगों को पसंद है बाहर, जैसे
पौच उच को सब खाते हैं। क्या बचपन से ही पढ़ाई में एक्सपर्ट किया है? तो अंशिका ने बताया, आपने सुना, उनकी माँ ने भी बताया कि कितनी मेहनत करती थी अंशिका। तो अंशिका ने बताया कि जब आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो आप खुद ही मोटिवेटेड फील करते हैं।